फर्स्ट द कंटेंट्स. व्हाट आर द्रेट्स टू द नेचुरल रिसोर्सेस. आई एंड हाउ वी कैन सेव द नेचुरल रिसोर्सेस. सो लेट वी डिस्कस फर्स्ट व्हाट आर द्रेट्स टू द नेचुरल रिसोर्सेस. जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको किस तरह से डैमेज हो रहा है उनको थ्रेट्स क्या है मीन्स नेचुरल रिसोर्स के एग्जॉस्ट होने में क्या उसका क्या रिजन है या उसको पॉसिबल क्या उनको थ्रेट्स हैं किस वजह से हम कह सकते हैं जो नेचुरल रिसोर्स है दे आर गोइंग टू एग्जॉस्ट वो खत्म होने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए अगर हम बात करें रीन्यूएबल और नॉन रीनबल दोनों केसेस में द थ्रेड्स आर दे दोनों ही रिसोर्स को जब वो थ्रेड्स मौजूद हैं नॉन रीन रिसोर्स को जो थ्रेड्स हैं वो ये रीन रिसोर्स सप्लाई अगर हम उसको एक वाइज वे में यूज़ करेंगे तो फिर तो वो एक लॉन्ग टाइम तक हमारे पास अवेलेबल होंगे लेकिन अब थ्रेड्स ये हैं कि हम उनको या ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ओवर एक्सप्लॉयट का मतलब यह है कि जितना जितनी रिसोर्स अवेलेबल हैं जितनी उस मेदार में उसको यूज़ किया जाना हम उससे ज़्यादा उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ओवर यूज़ कर रहे हैं तो जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है दिस इज़ द मेजर थ्रेट टू द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है अब इसमें से जैसे मिनरल्स हैं जो मिनरल्स हैं इनका डिफरेंट जो प्लेस के ऊपर जो अभी तक एक्सप्लाइट हो ज़्यादातर वो मिनरल्स जो ऑलरेडी एक्सप्लाइट हो चुकी हैं और वो जो रिसोर्स अभी एक्सप्लाइट होने हैं वो बहुत कम हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो अवेलेबल रिसोर्स हैं जो एक्सप्लाइट हो चुके हैं अगर हम उनको एक खास एक कंजर्व uh, वे में यूज़ करेंगे उसको जो है वो एक, एक महताज तरीके से यूज़ करेंगे तो हम उनको लॉन्ग टाइम के यूज़ करेंगे यूज़ कर सकते हैं बट द थ्रेट इज़ देयर दे आर बींग ओवर एक्सप्लाटेड ज़्यादा उसको जो है वो मल्टीपल टाइम यूज़ किया जा रहा है ऑयल रिजर्वाइटर सेम जो जिस तरह से मिनरल्स को थ्रेट है ओवर एक्सप्लाटेशन का इसी तरह से जो ऑयल्स हैं ऑयल रिजरवायर्स को भी ये थ्रेट है कि वर्ल्ड वाइड क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन बड़ी रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली उसके जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती चली जाएंगी स्पेशली जो ज़्यादातर दुनिया जो जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है सिविलाइज हो रही है वर्ल्ड तो लोग ज़्यादा डिवेल्पिंग से डिवेल्प नेशनस में जो की तरफ जा है। जो है वो मूव कर रहे हैं या जो अंडर डिवेल्प नेशन है वो आता है किस तरफ जा रही हैं डिवेल्प नेशनस की तरफ जा रही हैं अब जब नेशंस के जब डेवलप्ड नेशंस हो जाती हैं तो अल्टीमेटली डेवलप्ड नेशंस के अंदर जो पर्सन हैं उनका जो रिक्वायरमेंट्स है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं उसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है तो इसका अल्टीमेट जो पे करना पड़ेगा वो नेचुरल रिसोर्स को पे करना पड़ेगा कि जितनी डेवलप्ड नेशंस होंगी अल्टीमेटली उसके रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएंगी अब ऑयल रिजर्वाइड दे आर आल्सो लिमिटेड जब आप उसको ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे तो एक टाइम आएगा जब हमारे पास देर विल बी नो मोर ऑयल देर विल बी नो मोर गैस अवेलेबल सिमिलरली बायोडावर्सिटी को जो लॉस है बायोडावर्सिटी को भी ओवर एक्सप्लाइटेशन से जो खतरा है बायोडावर्सिटी से मुराद है एनिमल्स एंड प्लांट्स जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा कि है कि जितने भी फॉरेस्ट हैं नेचुरल फॉरेस्ट को जब कट करके क्या किया जाए इसको जब जा वो एग्रीकल्चर uh, लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है अब क्या हुआ कि जब फॉरेस्ट कट किए गए तो उससे प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज जाती रही इसके साथ साथ वो एनिमल्स जहाँ वो रह रहे थे हैबिटेट जो था वो भी लॉस हो गया अब तो उसे भी एक स्टेज हम आगे चले गए कि हम एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं अर्बन एरियाज के अंदर तो दिस इज़ वाट वी आर डूइंग ह्यूमन क्या रहा कर रहा है कि नेचुरल रिसोर्स को ओवर एक्सप्लाइट कर रहा है जिसकी वजह से बायोडावर्सिटी जो है वो खतरे में है बहुत सारी स्पीशीज वक्त से बहुत पहले क्या हो रही हैं एक्सटिंक्ट हो रही हैं ख़त्म होती जा रही हैं प्लांट्स की स्पीशीज एनिमल की बहुत सारी स्पीशीज जो है वो ओवर एक्सप्लाटेशन की वजह से जो है वो खत्म होती जा रही है अगर हम सिंपल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ जो हमारे ये पाकिस्तान का जो एरिया है एक वक्त था जब झेलम से लेकर कराची तक देर आर फॉरेस्ट ऑल अवे देर हर जगह जो फॉरेस्ट थे घने जंगलात थे जिसके अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ़ बायोडावर्सिटी अवेलेबल थी लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती चली गई फॉरेस्ट को क्लीन करके एग्रीकल्चर लैंड बना दीजिए गए शहर बसा दिए गए जिसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये हुआ कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो जो है वो बहुत हद तक जो है रिड्यूस हो चुकी है सेकेंड जो मेजर थ्रेट है रिसोर्स का वो पोल्यूशन से है ओवर एक्सप्लॉयड करने के साथ साथ जब रिसोर्स को यूज़ कर यानी ओवर यूज़ करने के साथ साथ अगर रिसोर्स को हम पोल्यूट भी करना शुरू कर देंगे तो जो बाकी रिसोर्स हैं वो भी यूजलेस हो जाते हैं जैसे वाटर हमारे पास है वाटर को हम एक तो ग्राउंड वाटर एक खास लेवल है अगर तो हम वाइजली तो यूज़ करेंगे तो ये ग्राउंड वाटर हमें अवेलेबल रहेगा फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ लेकिन अगर हम इसका ओवर यूज़ करेंगे तो ये वाटर टेबल नीचे चला जाएगा ये तो हो गया ओवर एक्सप्लाइटेशन दूसरा इसका जो बहुत ख़तरा वो ये है कि जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो सीवरेज वाटर है वह मुसलसल ऊपर से सीपेज होकर नीचे जा रहा है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है या बड़े शहर जो हैं अगर इसका ग्राउंड वाटर जो है नॉट ड्रिंकेबल वो ड्रिंकेबल नहीं है उसके लिए क्योंकि उसके अंदर कंटेमिनेशन जो होती है वो फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड फीट तक पहुँच चुकी हैं नीचे तक तो ये सेम वाटर पोल्यूशन के अलावा लैंड पोल्यूशन इज आल्सो देयर और लैंड पोल्यूशन के साथ साथ जो एयर पोल्यूशन इज आल्सो देयर तो वाट आर सॉल्यूशन फॉर नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्स को कंट्रोल करने के देर वैसे तो बहुत सारी स्ट्रेटीज हो सकते हैं लेकिन दो तीन बेसिक स्ट्रेटजीज हैं फर्स्ट वन द कंजर्वेशन कंजर्वेशन का मतलब यह है कि नेचुरल रिसोर्स जो अवेलेबल हैं उनको कंजर्व किया जाए कंजर्व का मतलब है कि उनको बड़े वाइजली यूज़ किया जाए उनका एक इस तरह से यूज़ किया जाए कि वो जो जो रिसोर्स है वो लॉन्ग टाइम के लिए अवेलेबल रहे तो वाइज यूज़ ऑफ रिसोसेज यानी वाटर अगर अवेलेबल है तो आप इस तरह से यूज़ करें कि वाटर कंटेमिनेट भी ना हो और फिर इसका वाटर टेबल जो है वो भी मेनटेन रहे इसी तरह से अगर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में से आप टिम्बर जरूर हासिल करें लेकिन ऐसा ना हो कि पूरा फॉरेस्ट ही डिफॉरेस्ट कर दिया जाए बल्कि उसको एक खास वाइजली यूज़ किया जाए दूसरी स्ट्रेटजीज पहली तो ये हो गया कि रिसोसेज को वाइजली यूज़ किया जाए कंजर्व किया जाए बचा कर रखा जाए दूसरा इसका जो है वो ये है कि हम रिसोर्स को अल्टरनेटिव रिसोसेज भी यूज़ करें अल्टरनेटिव सोर्स क्या है फासिल फ्यूल्स की, की जगह हम बाकी चीज़ें भी कोशिश करें यूज़ करने की जैसे आपने देखा आप गाड़ियाँ जो है वो हाइब्रिड गाड़ियाँ आ गई हैं यानी कि जो हम तो बैटरीज़ के ऊपर चल रही हैं तो ये एक अल्टरनेटिव रिसोसेज की तरफ हम जा रहे हैं कि जिसमें हम जो एक जो नेचुरल रिसोसेज हैं जिनके एक्सप्लाइट होने के बाद एक लिमिट यो टाइम आएगा कि वो रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं हूँ कि हम पहले ही अगर उनका अल्टरनेटिव तलाश करना शुरू कर देंगे तो ह्यूमन आगे क्राइसिस से बच जाएगा थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रीसाइकिलिंग बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ करें मिनरल्स हैं जैसे आप मिनरल्स की रिसाइकिलिंग कर सकते हैं वाटर की रिसाइकलिंग कर सकते हैं ठीक है वाटर को जो आप क्या क्या प्योरीफाई करके अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं तो दीदी सॉल्यूशन कि आप किस तरह से कंजर्व करके या फिर उसके अलावा रिसाइकलिंग करके या अल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूज़ करके अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं